स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। और आज हम सीखेंगे कि टैली के अंदर जो जीएसटी होता है उसको इनेबल किस तरह किया जाता है और उसका इंपैक्ट किस तरह होता है उसकी एंट्रीज में, जो कि हम वाउचर एंट्री जितने भी अकाउंटिंग वाउचर्स हैं उसके रिस्पेक्टिव वाउचर्स में किस तरह हम जीएसटी को चार्ज करेंगे। तो चलिए आज स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमने टैली में को खोल रखा है, टैली में एक कंपनी खुली है राठौर की, इसको हम बंद करेंगे ऑल्ट टैब वन से और यहाँ पर नई कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करते हैं हम जीएसटी नाम से, यहाँ पर स्टेट डालते हैं दिल्ली का स्टेट डालते हैं और उसके बाद फिर हमें कुछ नहीं करना, कंट्रोल से डायरेक्ट सेव कर देंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है। देखिए थोड़ा टाइम लगता है, हाँ देखिए नेम ऑफ कंपनी आ गया और ये गेटवे ऑफ टैली हो गया यहाँ पर। तो देखिए जीएसटी को इनेबल करने के लिए टैली में F11 दबाएंगे, क्या दबाएंगे F11। F11 से होगा क्या, यहाँ पर कंपनी फीचर खुलेगा, क्या खुलेगा कंपनी फीचर। कंपनी फीचर खुलने के बाद यहाँ पर जाएंगे टैक्सेशन पे, कहाँ जाएंगे टैक्सेशन पे जाएंगे। इसके लिए F3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इसके आप फिर एंटर कर देंगे और यहाँ पर देखिए टैक्सेशन का ये खुलेगा और ये जो कंपनी है आजकल तो जीएसटी चल रहा है तो जीएसटी को ही ऑप्शन को दिखाया कंपनी जीएसटी में, तो हमें जीएसटी को यूज करना है। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है अकाउंट्स के अंदर कि जो चीज हमें यूज करनी है उतने को यूज करेंगे, ना उससे ज्यादा काम करेंगे ना उससे कम। तो जीएसटी को यूज करने के लिए इनेबल करेंगे उसे और साथ साथ में इनेबल करने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक है, देखिए इस ऑप्शन को इनेबल करने के साथ में सेट अल्टर डिटेल को तो जीएसटी डिटेल खुलेगा, क्या खुलेगा जीएसटी डिटेल। तो यहाँ पर हमें स्टेट डालना है, कौन है वो दिल्ली, यहाँ पर जीएसटी नंबर, ये जीएसटी नंबर हमने कुछ भी डाल दिया एजम्पशन बेस पे क्योंकि हम सीख रहे हैं। और जीएसटी जो होता है 15 नंबर का होता है, जीएसटी नंबर कितने नंबर का होता है 15 नंबर का। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, जीएसटी आईएन यानी कि गुड एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी ये 15 नंबर का होता है। अगर हम एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं तो हम एजम्पशन बेस पे काम करें। देखिए धीरे धीरे करके ये नीचे वाला ऑप्शन नो हो जाएगा, लेकिन हमें छेड़ना नहीं है, ये इनेबल हो चुका है। ठीक है ना, देखिए इसके बाद स्कैप से पीछे जाएंगे और यहाँ पर हमारी जीएसटी चालू हो चुकी है। दो तरीके जीएसटी के जो है, हम लेजर्स बना लें उसके रेट्स के, या फिर हम वहां पर वाउचर एंट्री कर सकते हैं और सी का यूज कर सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पर है जैसे कि सी जीएसटी, जीएसटी 2.5% 2.5%। तो सी जी एस टी क्या है, ड्यूटी एंड टैक्सेस है, क्या है ड्यूटी एंड टैक्सेस का पार्ट है, तो इसको हम क्रिएट करेंगे। तो क्योंकि टैक्स का पार्ट है सी जी एस टी और जी एस टी, तो कौन सा टाइप का जीएसटी का टैक्स है, जीएसटी का, कौन सा जीएसटी है सेंट्रल, यहाँ पर परसेंटेज कितना है 2.5%, इसे हम डालें। अब एक बार एस जी एस टी को देखते हैं, एस जी एस टी 2.5%, माफ कीजिएगा 2.5% को यूज करेंगे यहाँ पर। ये कौन सा टाइप का जीएसटी है, जीएसटी, ये कौन सा है स्टेट वाले का, यहाँ पर 2.5%। इस तरह करके हम सारे रेट्स बनाएंगे। चलिए एक बार इसे हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जो है कंपनी है दिल्ली की है, तो देखिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे तो क्या खुल जाएगा परचेज वाउचर, क्या खुलेगा परचेज वाउचर। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, सप्लायर का इनवॉइस नंबर, एजम्पशन बेस में डेट डाल दिए 1 अप्रैल, डेट चेंज करनी है F2 से चेंज होगा, यहाँ पर डाल देते 2/5, तो ये आ जाएगा देखिए 2 मई यहाँ पर, और यहाँ पर चेंज करनी है यहाँ पर भी हो जाएगी 2/5। ठीक है, पार्टी का नेम बनाना होगा, यानी परचेस कर रहे हैं तो यानी कि वो सेलर का इनवॉइस होगा, सेलर हमें इनवॉइस नंबर देगा तो इनवॉइस नंबर डाल दिया। पार्टी का नेम यानी कि जो सेलर होगा जो हमें देगा सामान, तो हम तो बाय करें तो हम परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे, लेकिन जो सेलर होगा वो किस में एंट्री करेगा सेल वाउचर में, लेकिन हम तो परचेस करें तो हम किस में करेंगे परचेज वाउचर में। तो यहाँ पर पार्टी का नेम किस तरह बनेगा, ऑल्ट सी से, तो पार्टी का नेम बनेगा यहाँ पर मान लेते हैं अमित, अमित यादव नाम का एक पर्सन है, उसको हमने वो हमारी पार्टी है, तो कौन सी पार्टी हुई संडी क्रेडिटर, क्या हुआ संडी क्रेडिटर। ठीक है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि पार्टी का नेम में हमें ध्यान रखना है, अगर कंपनी हमारी दिल्ली की है और वो जो पार्टी है जो सेलर है वो दिल्ली के बाहर का है तो वहां पर क्या लगेगा IGST, और वो दिल्ली में ही है तो वहां पर क्या लगेगा CGST और SGST। कई बार क्या होता है लोग क्या करते हैं, पर्सन क्या होते हैं जो अकाउंटेंट करते हैं वहां पर स्टेट डालना भूल जाते हैं,
और फिर बाद में सी जीएसटी एसजीएसटी जो लगाते हैं वहां पर चार्ज ही नहीं होती, क्योंकि दिक्कत ये है कि यहाँ पर हमें स्टेट डालना चाहिए। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारी कंपनी जीएसटी नंबर वाली है तो हम जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं हो क्या वो जीएसटी चार्ज कर पाएगा? क्या नहीं चार्ज कर पाएगा? तो यानी कि अमित यादव की जो कंपनी होगी उसके पास भी जीएसटी नंबर होगा, तभी तो वो सेल कर पा रही है, तो उसके वाउचर में अपने वाउचर में जीएसटी नंबर चार्ज किया होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा जीएसटी नंबर, यानी सप्लायर है अमित यादव, कौन है हमारा सप्लायर है, तो उसका जीएसटी नंबर भी होगा। इस तरह एजम्पशन बेस में हमने 15 नंबर का जीएसटी नंबर डाल दिया जैसे, ठीक है। और देखिए इसके बाद परचेज लेजर के अंदर क्या आएगा, परचेज क्या आएगा, परचेज। हमने एक चीज और पता है, परचेज अकाउंट आ जाएगा परचेज के अंदर, और कुछ नहीं करना, सिंपल जो हम विदाउट जीएसटी का वाउचर बनाते हैं सिंपल वही होगा। अब देखिए ये स्टॉक मोड में, किस मोड में, स्टॉक मोड में। लेजर मोड में करने के लिए ऑल्ट आई, क्या करेंगे, ऑल्ट आई, देखिए लेजर मोड में हो गया। और सर्विस मोड में भी इसी में एंट्री होगी, तो पहले हम वन बाय वन इसमें एंट्री करके देखते हैं। चलिए ऑल्ट आई पहले करते हैं, एक स्टॉक आइटम को परचेज करके देखते हैं बाद में सारी चीज। ऑल्ट सी, यहां पर हम बाय करते हैं एक स्टॉक आइटम को जिसका नाम है माउस। यूनिट्स में यूनिट्स बनानी पड़ेगी, यूनिट्स क्या है माउस की, पीसेस, पीसेस डाल देते हैं। और जीएसटी को इनेबल करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, एप्लीकेबल करना ही पड़ेगा, और सेट अल्टर डिटेल में रेट डालना होगा, तो इसे यस करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद टैक्सेबिलिटी को हम टैक्सेबल करेंगे, और यहाँ पर एंट्री रेटेड में यहाँ पर रेट डाल देंगे। माउस पे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इसमें कितना लगेगा, 12%, कितना परसेंट, 12%, दैट्स इट। और यहाँ पर हम क्वांटिटी डालेंगे, जैसे 10 क्वांटिटी है और 250 रुपये का एक है, तो कितने में, 2500। और देखिए अभी स्टॉक मोड में एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, लेजर मोड में, तो यहाँ पर लेजर बनेगा। जीएसटी का क्या बनता है, लेजर्स, यहाँ पर क्या बनेंगे, लेजर्स। देखिए ऑल सी से सी जीएसटी, जीएसटी 6% का हमें शो करना है। ये कौन सा जीएसटी का टैक्स है, जो ड्यूटी एंड टैक्सेस है, ये का पार्ट है, जैसे हम ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे। कौन सा टाइप का टैक्स है, जीएसटी का, जीएसटी में कौन सा है, सेंट्रल का। यहाँ पर क्या कर डालेंगे, रेट 6% डाला, जैसे यहाँ पर रेट आ जाएगा 150 रुपये। अब एस जी एस टी भी डालना है, देखिए एस जी एस टी के लिए एस जी एस टी 6% डाला। ये कौन सा टैक्स है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, कौन सा टाइप का टैक्स है, जीएसटी का, और कौन सा टाइप का जीएसटी है, स्टेट वाला। यहाँ पर कितना परसेंट, 6%, समझ में आया, समझ में आया। अब देखिए कई बार हम क्या कर देते हैं, कोई और टैक्स लगा दे वो चार्ज हो जाता है, इसको अल्टरनेटिव, अगर इसको रिस्पेक्टिव एंट्रीज के अंदर जीएसटी के रेट को चेकअप करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है, किसे क्या कहते हैं, ऑल्ट ए और ऑल्ट एफ वन। देखिए 2500 के अंदर 6% टैक्स लगे तो कितना हो गया, 300 रुपये, डेढ़ सौ, और 2500 ये 300 ये कितने हो गए, 2800। देखिए यहाँ पर 2800 आ जाएगा डेढ़ सौ के साथ। मान लेते हैं कि हम एक स्टॉक आइटम, ये तो हमारे स्टॉक आइटम परचेस किया, एक हम एसेट को परचेस करते हैं, क्या करते हैं, एक एसेट को, तो यहाँ पर लेजर मोड में तो एसेट इसमें बनता है एस, लेजर मोड में, ठीक है ना। तो ऑल्ट, तो ऑल्ट सी से हम यहाँ पर लेजर बनाएंगे, लेजर किसका बनाएंगे, किसी फिक्स एसेट का। मान लेते हैं मशीनरी को हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, मशीनरी क्या हुआ, फिक्स एसेट, और जीएसटी का रेट भी लगेगा क्योंकि हम रजिस्टर हैं, तो हमें जीएसटी को इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए जीएसटी को अप्लीकेबल करेंगे तो अप्लीकेबल हो जाएगा, और सैटरडे डिटेल को क्या करेंगे, यस कर देंगे। यहाँ पर क्या डलेगा, रेट, टैक्सीबिलिटी को क्या करना है, टैक्सीबल कर देना है, और यहाँ पर आने के बाद रेट डाल देना है। तो फिक्स एसेट पे कितना लगता है, 88%, कोई भी एसेट होता, लग्जीरियस प्रोडक्ट पे 28, ये कौन सा है, गुड्स है, और कुछ नहीं करना नॉर्मल में। और एसेट का क्या होता है, रेट नहीं डलता, टोटल अमाउंट डलता है। मान लीजिए थे 20,000 का हमने क्या खरीदा, मशीनरी खरीदा, इसके ऊपर जीएसटी कितना लगाया, 18%, तो इसमें क्या बनेगा, सी जीएसटी और जीएसटी कितना परसेंट, 9% का बनेगा सर, 9% का। ये कौन सा अंडर में किसके जाएगा, अंडर का मतलब हो गया किसके अंदर में, तो किसमें जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, किसमें जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस। और कौन सा टाइप का ये टैक्स है, जीएसटी है, और जीएसटी में कौन सा है, सेंट्रल का, कितना परसेंट, 9%, ठीक है। और एक और है
उसके अलावा एसजीएसटी, एसजीएसटी के लिए ऑल चीजें एसजीएसटी, एसजीएसटी 9%, ठीक है। ये किसके अंदर आएगा? ड्यूटी एंड टैक्स में। कौन सा टाइप का टैक्स है? जीएसटी का। जीएसटी में भी कौन सा? स्टेट वाला। कितना परसेंट? 9%। ये देखिए, तो दोनों रेट अलग है, तो दोनों में अलग अलग रेट का बनेगा। मान लेते हैं मशीनरी के अंदर दोनों का सेम रेट होता, फिर क्या होता? तो सी जीएसटी और एस जीएसटी एक बार लगता सर, ठीक है ना। अब देखिए ये तो रहा आपका, ये हो गया एक, हमने स्टॉक आइटम का किया, स्टॉक आइटम, और एक हमने क्या किया, एसेट पे लगाया। एक हम सर्विस पे करते हैं। सर्विस का मतलब क्या होता है? जैसे हम कई सारी सर्विस लेते हैं, इंश्योरेंस की सर्विस लेते हैं, कोई रिपेयरिंग की सर्विस होते हैं, तो उसमें हम ना गुड लेते हैं ना एसेट को बाय करते हैं, उसमें हम एक सर्विस लेते हैं। मान लेते हैं हम सर्विस भी लेते हैं अमित यादव जी से, और इसी से हम क्या बनाएंगे, सर्विस मान लेते हैं रिपेयर की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, माफ कीजिएगा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सर्विस है। सर्विस है तो क्या है हमारे लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है हमारे लिए? इनडायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना पड़ा है, और इसके अंदर भी रेट लगेगा। और कौन सा टाइप का जीएसटी है? जीएसटी को अप्लीकेबल करना पड़ेगा, और इसमें रेट डालना होगा। मान लेते हैं सर्विस पे 5% लग रहा है, कितना परसेंट लग रहा है? 5%। टैक्सीबिलिटी को हमेशा क्या करना है? टैक्सीबल, क्योंकि टैक्स आपको चार्ज करना है, इसमें मान लेते 5% चार्ज होगा। सर्विस है, सर्विस को सर्विस में डाल देंगे, इसका अमाउंट आ गया 1000। इस पे देखिए हमने 2.5% जीएसटी एडजस्टमेंट बना रखे हैं, तो इसमें चार्ज करना है, देखिए 25 रुपए इसका ही आ गया। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, किससे? मैंने अभी आपको बताई थी, ऑल्ट ए और ऑल्ट एफ 1, देखिए सब पे बराबर आ रहा है। मशीनरी पे 20,000 की है, 9% 18,800, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस है 2.5%, 25 रुपए, माउंट है 2,500, 6% 150 रुपए। तो ये रही हमारी एक एंट्रीज, ठीक है ना। अब देखिए ये तो रही हमारी सीजीएसटी, क्योंकि अमित यादव जी कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के, और हम हमारी कंपनी कहाँ की? दिल्ली की, तो यहाँ पे चलेगा सीजीएसटी और एचजीएसटी। चलिए एक हम एचजीएसटी की एंट्री पास करते हैं। देखिए इधर देखिए, एक इनवॉइस नंबर हमने दोबारा खरीदा, एक सप्लायर से हमने सामान खरीद लिया, कुछ भी मान लेते हैं, और उसने इनवॉइस नंबर दिया, तो इनवॉइस नंबर ये रहा उसका। डेट क्या थी? मान लेते डेट को चेंज करने के लिए F2 करते हैं, 3 तारीख तो आ नहीं सकती, क्योंकि हम एजुकेशन मोड के अंदर काम कर रहे हैं, तो 1-2 तारीख 31 तारीख ही आ सकती है, 30 तारीख, तो मान लेते 1 साल, ठीक है ना। पार्टी का नेम क्या आएगा? और चीज से पार्टी का नेम बनता है, यहाँ बनाते हैं सागर, सागर ब्रांड नाम की एक कंपनी है, और वो क्या है? हमारा संडी क्रिएटर है। वो कहाँ के रहने वाले? हमारी कंपनी दिल्ली के, लेकिन वो कहाँ के थे? हरियाणा के। कहाँ के? हरियाणा के। तो हरियाणा के रहने वाले। अब एक चीज हमने अभी बार बार आपको दोहराई कि जिसके पास जीएसटी नंबर होगा वही जीएसटी चार्ज कर पाएगा। सप्लायर ने जीएसटी चार्ज करी होगी क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर होगा, तब तो हम जीएसटी को अपने इनवॉइस में चार्ज करेंगे। उसने इनवॉइस में अपने चार्ज किया होगा, तब तो हम उसकी परचेस में एंट्री कर रहे हैं, और उसने सेल्स में करी होगी, तो यानी ये भी हमारा रेगुलर और स्टेट पर्सन होगा जिसके पास जीएसटी नंबर है। तो 15 नंबर का एग्जम्पशन बेस आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि हम एजुकेशन मोड के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में जब काम करेंगे तो वहाँ पर ओरिजिनल चीजें डालनी पड़ेगी। परचेज के अंदर क्या आएगा? परचेज। अब देखिए मान लेते हैं एक बार स्टॉक आइटम बनाया हुआ, कोई भी एसेट और कोई भी सर्विस बनाया हुआ का लेजर या स्टॉक आइटम दोबारा नहीं बनेगा, उसको बनाने के लिए आपको अल्टर या उसे डिलीट करना पड़ेगा। चलिए और इसी से हम एक स्टॉक आइटम और बात करते हैं जिसका नाम है कीबोर्ड। क्या नाम है? कीबोर्ड। ये किसमें आएगा? पीसीएल में। अंडर मतलब प्राइमरी को छेड़ना नहीं है हमें इसी में काम करना है। और इसे क्या करना है? एप्लीकेबल करना है, जीएसटी को एप्लीकेबल, और सैलरी डिटेल करना है, यस, ठीक है। यहाँ पर हमें रेट डालना है, मान लेते हैं इसमें 12% लगता है, देखिए टैक्सीबिलिटी को 12% डाल दिया। टैक्सीबिलिटी को क्या करना है? टैक्सीबल और रेट डालना 12%। तो मैं क्वांटिटी कितनी है? 10। कितने का है? 300 रुपए का। कितने हो गए? 3,000। अभी कितने में? स्टॉक मोड में। अब इस पे कितना लगेगा? 6% क्योंकि 12% लगा है,
सी जीएसटी। अब देखिए सी जीएसटी भी नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये आई जीएसटी की एंट्री है सर, कौन सी एंट्री है, आई जीएसटी की, क्योंकि सागर या ब्रांड कहाँ के रहने वाले, हरियाणा के, और हम कहाँ के, दिल्ली के, तो क्या लगेगा यहाँ पर, आई जीएसटी, और सी से बनेगा लेजर, आई जीएसटी कितना परसेंट, एट द रेट 12%। देखिए किसमें आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में, किसमें आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में, कौन सा टाइप का टैक्स है, जीएसटी का सर, और इसमें भी कौन सा, इंटीग्रेटेड टैक्स, और ये कितना परसेंट, 12%, ठीक है, ठीक है, 360 रुपए आ गए। देखिए लेजर्स में, अब मान लेते हैं कि स्टॉक आइटम को तो हमने बाय कर लिया, एक एसेट को बाय करते हैं जिसका नाम है बीएमडब्ल्यू, मान लेते हैं बीएमडब्ल्यू पे 12%, वैसे तो 28% चार्ज होता है, Q3 हमने बाय कर लिया, कौन सी फिक्स एसेट है, उसको क्या करना है, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल करने वाले सेट और अल्टर डिटेल को क्या करना है, यस करना है, यहाँ पर क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करना है, टैक्सेबल, और इसमें कितना परसेंट डालना है आपको, मान लेते हैं 12%, स्टॉक का भी सेम है, कल का भी सेम है, तो क्या हमें सी जी एस टी और एच जी एस टी का दोबारा लेजर बनाने की जरूरत है, कई लोग कहेंगे बनाना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा आपको नहीं बनाना चाहिए। देखिए अभी कितना रेट है, 360 रुपये, इस पर भी 12% है, किस पे, कीबोर्ड पे भी, और इस पे बीएमडब्ल्यू पे भी 12% है, सपोज कर लीजिए हमने डाल दिया, ठीक है ना, बीएमडब्ल्यू हमने खरीदी 20 लाख की, देखिए अपने आप आ गया कितना, 2,40,000, और लेकिन जब हमने अमाउंट डाला था कितना था, 360 रुपये, लेकिन अभी हम जब अमाउंट डालेंगे, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बार बार अगर रेट सेम है तो हमें दोबारा जीएसटी का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो स्टॉक आइटम हो, सर्विस हो, या गुड्स हो, या एसेट। इसको चेक करने के लिए एक शॉर्टकट की बताई थी, ऑल्ट ए और ऑल्ट एफ वन, देखिए 12% 12% लगेगा 20 लाख पे, तो कितना हुआ, 2,40,000, और 3,000 पे का कीबोर्ड हमने खरीदा है, उस पर कितना लगा, 360 रुपये, 12%, ये दोनों का रेट सेम था, तो ये हमने सीखा, एक नई चीज हमने सीखी इसमें आज के टॉपिक में, कि किसी तरह क्या किया जाता है। इसके बाद फिर हम पार्टीज को पेमेंट भी कर देंगे रिस्पेक्टिव जगह पे। चलिए बात करते हैं F5 पे जाएंगे पेमेंट, तो अमित यादव जी को पेमेंट करनी कितनी, 27,450 अगेंस्ट में होगी, न्यू में होगी, ऑन अकाउंट में, एडवांस कर लो जो एडवांस में दे रहे हैं, अगेंस्ट का मतलब कोई परचेज के बेस पे या सेल के बेस पे आप किसी पेमेंट या रिसीव कर रहे हैं, तो इनवॉइस के बेस पे, तो हमने परचेज किया है तो उसके अगेंस्ट में हम पेमेंट करेंगे। न्यू का मतलब नया बिल हो, ऑन अकाउंट का मतलब जो हमें कुछ पता ना हो, तो हमें तो पता है, देखिए अपने आप आ जाएगी सारी चीज़ें, आपको खाली एंटर करना है, किसमें पेमेंट करिए आपने, मान लीजिए कैश, रेड में निशान इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं ज़्यादा एंट्रीज में कि किस तरह जीएसटी की एंट्री करने के बाद, यानी परचेस करने के बाद फिर पेमेंट किया जाता है, इधर जब आप इस आइटम को सेल करेंगे उसके बाद फिर आप रिसीव में प्राप्त करेंगे पैसे, क्योंकि आपने सेल किया तो आपको रिसीव होना चाहिए क्या अमाउंट। अब सागर ब्रांच को भी हमें क्या देने, पैसे देने, क्योंकि हमारे सनडी क्रिएटर है, हमारी ये लाइबिलिटी है सर ये, और इसको हम पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारा दुकान में ताले लगने के चांसेस है पूरे बोले, आगे इसमें क्या आएगा ये, और किस में पेमेंट कर रहे हैं। तो ये आज की हमारी एंट्रीज थी, इसे हमने ये सीखा, और बैलेंस शीट में हम जाके क्या देखेंगे, बैलेंस कि हमारी एसेट और लाइबिलिटी कितनी है, तो लायबिलिटी हमारी करंट एसेट में इसलिए आ गई क्योंकि हमारे पास कैश में कुछ नहीं। चलिए